हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तमाशा ब्यूटी लाइफस्टाइल। तो मैं आ चुकी हूँ कॉलेज में। मेरा आई कार्ड देख के आप लोग समझ ही सकते हो। तो मेरा एग्ज़ाम चल रही थी कुछ दिन से, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रही थी। क्यों ना आप लोगों को मेरा कॉलेज का टूर कराया जाए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी मेरा कॉलेज का पूरा टूर। तो आप लोग देखकर बताना कैसा लगा। और ये है जियोग्राफी डिपार्टमेंट। और यहाँ पर देखो, आप लोग देखो कितना फूलों का पौधे है, कितना अच्छा अच्छा फूल निकला हुआ है। मुझे तो मेरा कॉलेज बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जितना हो सकता है मैं आप लोगों को टूर कराऊंगी मेरा कॉलेज का। आप लोग देख के बताना कैसा लगा। और मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई हूँ, आप लोग देखे होंगे। और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं जाके देख लेना। जितना हो सकता है मैं आप लोगों को शेयर करूँगी मेरा कॉलेज कैसा है देखने में। वीडियो बनाऊँगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया था कॉलेज पर, क्योंकि थोड़ी देर में मेरा लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो तो नहीं कर सकती तब। और लेक्चर स्टार्ट होगा तो मुझे याद है मैं जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया था तब मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था, ना नो फ्रेंड्स नो टीचर्स। पहला दिन जब मैं आई थी बहुत हेल्प किया टीचर्स ने, मुझे बताया क्या क्या क्या। और मेरा कॉलेज का हर टीचर्स इतना अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत सपोर्टिव है मेरा टीचर्स। जितना भी टीचर्स है ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है टीचर्स में। और फ्रेंड का बात क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत अच्छे है। अच्छा, कोई वीडियो में मैं आप लोगों को मिलाऊंगी मेरे फ्रेंड्स से। इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लोग अभी तक नहीं आए हैं और ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वाला वीडियो ओनली कॉलेज टूर होगा। तो आप लोग देखना। तो ये है मेन गेट जहाँ से हम लोग सब स्टूडेंट अंदर आते हैं। तो यहाँ पर गार्ड रहते हैं, लेकिन आज एक आंटी बैठी हुई है। तो ये वाला है मेन ऑफिस रूम, जो भी हम लोगों का कुछ काम रहता है, सर्टिफिकेट वगैरह हो, मार्कशीट हो, जो भी होता है कुछ सबमिट करने हो, सब यहाँ पर हम लोग करते हैं, सबमिट करते हैं। तो अभी बंद है, 12 बजे तक खुल जाएगा। तो ये वाला एरिया है, सब स्टूडेंट बाइक वगैरह रखते हैं, स्कूटी साइकिल जो भी है। और ये डिपार्टमेंट नया बनाया है फ्लोर, ये वाला फ्लोर। ये वाला है हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो कि क्लास स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन पूरा अभी तक काम नहीं कंप्लीट हुआ। तो देख ही सकते हो आप लोग। और ये वाला है ग्राउंड फ्लोर, जहाँ यहाँ पर सब तरह का खेला होता है, बास्केटबॉल जो भी, क्रिकेट, स्टूडेंट जो भी खेलते हैं तो सब होता है। एग्ज़ाम वगैरह भी होता है यहाँ पर, और जो भी कॉलेज में प्रोग्राम होता है इस एरिया पर ही होता है ज़्यादातर। और कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा भी यहीं पर हुआ था, और स्टेज बनाती है हर स्टूडेंट यहाँ पर, गाना नाच जो भी होता है सब यहाँ पर होती है। और तो और कुछ भी हम लोगों को फ़ोटो खींचाना हो तो यहीं पर ज़्यादातर हम लोग खींचाते हैं। और ये देखो, ये है एक गार्डन जो कि मेरा सबसे पूरा कॉलेज में फेवरेट एरिया है ये वाला मेरा। तो यहीं पर सर स्टूडेंट बैठते हैं, बैठने के लिए बहुत सारा जगह है इस एरिया में। तो देखो, और ये यहाँ पर हम लोग बैठ के, मैं तो यहाँ पर ज़्यादातर बैठती हूँ, मेरा फेवरेट है। तो मैं यहाँ पर बैठ के असाइनमेंट जो भी काम वगैरह होता है हम लोग यहीं पर बैठ के करते हैं। देखो कैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठते हैं। और पास में ये देखो आप लोग, ये एक फ्लोर है। मेरा कॉलेज बहुत ही बड़ा है, लेकिन एक दिन में तो नहीं शेयर कर सकती आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ जितना हो सकती है। और ये है एक पूल एरिया छोटा मोटा। और यहाँ पर हंस रहते हैं जो पानी में, आज तो नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ पर गई है, बहुत सारा होती है और यहाँ पर चल कर जाती है हम लोगों को कभी कभी पीछा भी करती है। तो ये देखो, ये एक प्यारा सा जगह है जो कि नया पेड़ लगाया है। तो
तो कुछ दिन पहले कुछ और ही पेड़ था फूलों का, और अभी तो कुछ और ही पेड़ लगाया है। टाइम टाइम में चेंज करती रहती है। तो ये देखो, ये तो ये एक और एरिया है, वहीं पर और एक गार्डन भी है जो कि गेट अभी बंद हो चुके हैं, पता नहीं कब खुलेगा। तो ये वाला गेट से मैं कभी नहीं गया आज तक। तो ये देखो यहाँ पर भी कैसे फूल है। तो ये देखो ये वाला गार्डन है और एक जो कि बहुत अच्छा है देखने में। और यहाँ पर जितना भी आप लोग पेड़ देख सकते हो, ये पेड़ों में सब नाम लिखा हुआ है, कौन सा पेड़ क्या है सब लिखा हुआ है। तो ये वाला जो फ्लोर आप लोग देख रहे हो वो जियोग्राफी डिपार्टमेंट है। तो मैं फिर से यही से मैं चल रही हूँ। तो देखो, और ये देखो, तो देखो पांछी कैसी उड़ रही है, देखने में कितना अच्छा लग रही है। और ये देखो मैं जा रही हूँ, और ये जो मेरे राइट साइड पर आप लोग जो रूम देख रहे हो, ये वाला, इस रूम पर एग्ज़ाम चल रही थी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उन सब का। तो ये देखो इस गेट से हम लोग जाते हैं अंदर। तो अंदर जाते हैं और हम, मेरा कॉलेज में मैं जिधर मैं ज़्यादातर जाती हूँ उस एरिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। और इतना बड़ा कॉलेज मुझे नहीं लगता आज पूरा मैं वीडियो कर पाऊँगी, जितना हो सकता है आप लोग देखो। तो ये देखो यहाँ से हम लोग जाते हैं, और ये है एक टीचर्स रूम जो कि ये देखो टीचर्स अंदर है सब। और ये है प्यारा सा स्वामी विवेकानंद का एक स्टैचू है, तो आप लोग देख ही सकते हो। और ये पर ये देखो राइट साइड में ये है टीचर्स लॉन्च। तो ये इस रूम पर हर टीचर्स आप लोगों को मिलेगा, कोई भी काम होगा तो हम लोग सब स्टूडेंट ये वाला रूम पर आते हैं और टीचर उसको ढूंढते हैं तो मिलता है वो वाला रूम पर। तो ये देखो हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रही है, और यहाँ पर एक कांड हुआ था, मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वाला स्टूडेंट सोचा उसका वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि ऐसा नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आ गई वीडियो में। तो ये देखो, और ये वाला जो रूम देख रहे हो ये है प्रिंसिपल मैम का। और इधर भी एक ऑफिस रूम है जो कि अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि बंद है। तो ये पर ये देखो मेरा कॉलेज का एक बोर्ड है बाहर। तो ये देखो यहाँ से हम लोग जाते हैं सेकंड फ्लोर पर, सीढ़ी से जाना पड़ रही है क्योंकि स्टूडेंट के लिए अभी तक भी लिफ्ट नहीं बनाया है, पता नहीं कब बनाएगा। तो जितना दिन ही बनाएगा हम लोगों को ऐसे ही सीढ़ी से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो देखो ये देखो यहाँ पर सब लिखा, आप लोग पास करके देख लेना। तो ये देखो यहाँ से हम लोग जाते हैं थर्ड फ्लोर पर, जो कि मेरा थर्ड फ्लोर पर उतना क्लास नहीं होता इसलिए मैं नहीं जाती। और यहाँ पर एक लेडीज टॉयलेट जो आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो ये देखो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है ग्राउंड फ्लोर। अभी कॉलेज में कोई भी नहीं आए हैं इसलिए कैसे सुना सुना ऐसा लग रही है। स्टूडेंट होगा तो बास्केटबॉल खेलता, क्रिकेट खेलता, सब खेलता, तो अभी तो नहीं है। तो मैं जा रही हूँ इधर। तो हम लोग जा रहे हैं, और जो वॉल पर ये जो देख रहे हो सब स्टूडेंट ने बनाया है, ये तो मैं उतना नहीं वीडियो बनाया, और फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ कॉलेज का, उतना नहीं बना अच्छे से बना रही हूँ। और ये देखो ये वाला लिफ्ट है टीचर्स के लिए, हम लोगों के लिए तो नहीं है। और ये देखो पीजी रूम, ये वाला रूम पर मेरे ज़्यादातर एग्ज़ाम होती है, बहुत बड़ा है ये वाला रूम। तो ये देखो यहाँ पर है पानी लेने का जगह और बेसिन, और एक डस्टबिन भी है। और ये देखो आप पॉज करके देख लेना कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो ये पर एक टॉयलेट भी है। तो ये देखो, तो ये है ऊपर से बाहर का एरिया, जो कि यह सब यहाँ का गेट बंद रहती है ना, तो वहाँ से भी अंदर आ सकते हैं हम लोग। तो ये देखो ये रिस्टोर सेंटर जो कि यूजी के लिए है। और ये देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ नीचे, और यहाँ से भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं थर्ड फ्लोर पर।
तो हर तरफ से हम लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही जगह से हम लोग जा सकते हैं। लेकिन देखो ये वाला खिड़की से हम लोग नीचे वो गार्डन एरिया देख सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये देखो नीचे का एरिया ऐसा है देखने में, ऊपर से दिखाया था आप लोगों को। तो ये देखो, और ये है राइट साइड में जेंट्स टॉयलेट। तो और ये देखो एक डस्टबिन भी है, और ये वाला है कैंटीन एरिया। तो ये देखो कैंटीन एरिया, जो कि हम सब लोग यहीं पर खाना खाते हैं, मतलब स्टूडेंट नो टीचर्स। तो ये देखो यहीं पर से हम लोग पानी भी पीते हैं, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा। और ये देखो ये भी एक गार्डन है, मेरा कॉलेज में बहुत सारा गार्डन है। तो ये देखो, तो मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ फ्रेंड्स के लिए। वो आएगा, फ़ोन किया था, वो लोग आ रही है। और मुझे जैकेट पहनना पड़ेगा क्योंकि गार्डन अंदर नहीं आने देगा, इसलिए आप में से किसका कॉलेज में ऐसा रूल्स है आप लोग बताना मुझे। मेरा कॉलेज में तो ऐसा रूल्स है, अंदर नहीं आने देगा आई कार्ड के बिना। फ्रेंड्स के बिना कैसे बोर हो रही है, कब आएगा बोलो। तो आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ उसकी। तो मैं आप लोगों को कॉलेज का टूर कराया, आप लोग बताना कैसा लगा। फ्रेंड्स के बिना कॉलेज कैसे सुना सुना लगता है मुझे, ऐसे टाइम पर फ्रेंड्स को याद आता है। तो चलो आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा मेरा कॉलेज का वीडियो, आप लोग बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरा नया नया वीडियो आप लोगों को पास सबसे पहले आ जाए। तो इस वीडियो का लंबा नहीं करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।